ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों, फिर लौट आए हम एक नए एनिमेशन के साथ जिसमें बच्चों के लिए वज़ू के लिए तौर तरीके बताए गए। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। इस वीडियो के बाद एक मैसेज को देखना ना भूलें। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। ठीक है नवेद सरफराज, आज बहुत खेल चुके, हम कल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो मैं जरूर असल से पहले ही पहुँचूंगा, आपा को चल कर बताता हूँ। अब्दुल बारी, क्या हुआ, इस तरह क्यों भागे चले आ रहे हो? आपा, आज तो बहुत मजा आया, मैंने राशिद को पहले ही आउट कर दिया था। हाँ हाँ, लेकिन कभी राशिद भी तो तुमसे जीत जाता है, खेल में ये होता ही है। आपा दो मिनट रुको, मैं यही बाहर वजू कर लेता हूँ। ठीक है अब्दुल बारी, जल्दी करो, असर का वक्त बहुत कम बचा है। ठीक है, जल्दी करता हूँ। अब्दुल बारी, वजू से पहले वजू की दुआ पढ़ा करो। अच्छा आपा, क्या वजू के लिए भी कोई दुआ है? हाँ, वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहकर किया करो। अहा आपा, ये तो मुझे पता है, मैं तो बिस्मिल्लाह कहता हूँ, लेकिन क्या कोई दुआ भी है? लंबी सी कोई दुआ? दुआ नहीं, कोई लंबी दुआ नहीं है, वजू से पहले बस बिस्मिल्लाह कहकर वजू कर लिया करो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बेटा। अब्बा अच्छा हुआ आप आ गए, बस दो मिनट रुकिए, मैं वजू करता हूँ, आप देखिए तो मैं ठीक तरह से वजू करता हूँ या नहीं। ठीक है। आप आ कहते हैं मैं ठीक से वजू नहीं करता। अब्दुल बारी बिस्मिल्लाह कहो। हाँ बिस्मिल्लाह। ये मैंने तीन बार पहले अपने दाएं हाथ को धोया और फिर तीन बार बाएं हाथ को धोया, अब मैं ये तीन बार कुंडी कर रहा हूँ। अब ये मैं अपने नाक में तीन बार पानी डालकर साफ कर रहा हूँ और ये चेहरे की बारी, अपने पूरे चेहरे को माथे से लेकर थोड़ी के नीचे तक और दोनों कान तक धो रहा हूँ। अब हाथों को कोहनी तक तीन बार धोया। और ये मसा, लेकिन सिर्फ एक बार, अपने बालों को इस तरह और सुन्नत के एतबार से अपने कानों को भी साफ कर लूं, अंदर और बाहरी हिस्सा। और अब मैंने पहले अपने दाएं पैर को तीन बार धोया और बाद में बाएं पैर को तीन बार, ये मैंने वजू कर लिया। ठीक तरह से किया ना अब्बा? माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक से किए तुमने। हाँ अब्बा, मैं हमेशा ठीक से वजू करता हूँ और आपा है कि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ तो बताते ही रहते हैं। मैं तुम्हें उसी वक्त बताती हूँ जब कभी जल्दी में तुम ठीक से वजू नहीं किया करते। मैंने तो ठीक से वजू किया है ना अब्बा? हाँ अब्दुल बारी, लेकिन अंशरा शायद इस बारे में कहती है, ये देखो तुम्हारे कोहनी के पीछे सूखा रह गया, इसे अच्छी तरह धोया करो कि कोहनी के ऊपर तक पानी जा पहुँचे, और ये पैरों के पीछे तखने के नीचे का हिस्सा, इसे भी अच्छी तरह धोया करो। और अब्दुल बारी, ये गलती सिर्फ तुम्ही से नहीं होती बल्कि कभी कभी मुझसे भी हुआ करती थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह ध्यान से तवज्जो के साथ धोता हूँ ताकि मेरा वजू ठीक तरह से हो जाए। सच में अब्बा, आपसे भी गलती होती थी? हाँ बेटा। तब तो ठीक है, जिस तरह आप ध्यान से वजू करते हैं मैं भी उसी तरह किया करूँगा, तो मुझसे भी गलती नहीं होगी। शाबाश अब्दुल बारी, लेकिन ध्यान रहे कि वजू में भी पानी को जाया नहीं करते, जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करें, और जब मस्जिद में हो तब भी नलों को खूब तेजी से चालू करके पानी ना बहाए। जी अब्बा, मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखता हूँ। बहुत खूब माशाल्लाह। अब्बा, क्या आप हमें बताएंगे कि अगर बहुत कम पानी हो या पानी ना हो तो हम वजू कैसे करें? हाँ बेटा अंशरा, देखो अगर पानी कम हो तो हम हर चीजों को तीन बार की जगह दो या एक ही बार धो लें। यानी हाथ, कुल्ली, नाक, चेहरा, कोहनी और पैरों को दो या एक ही बार। हाँ, अगर वाकई में पानी सिर्फ इतना ही हो
कि तीन तीन बार अगर हम धोए तो पानी से पूरा वजू नहीं होगा, तो ऐसे में दो या एक बार धो लें। और अब्बा, एक बार तो सिर्फ आधा मग पानी था, तो मम्मी ने बोले थे कि सिर्फ फर्ज चीजों को धो लूं। अगर पानी बहुत ही कम हो और पूरा वजू मतलब सुन्नतों के साथ करना मुमकिन ना हो तो हम सिर्फ फर्ज चीजों को कर लें। जहाँ पहले अपने चेहरे को धो लें, दूसरा अपने दोनों हाथों को ठीक तरह धोए, और तीसरा मसा करें, मतलब अपने बालों को दोनों हाथों को भिगोकर पानी से पोंछे, और चौथा अपने दोनों पैरों को अच्छी तरह धो लें। ये चार बातें फर्ज है जिनका करना जरूरी है, वरना हमारा वजू होगा ही नहीं। अब्बा, क्या हम कभी कभी ऐसा ही करें? नहीं अंशरा, ऐसा उसी वक्त करना है जब बहुत ही मजबूरी हो, वरना हम सुन्नतों को अमल करते हुए वजू करें, जिस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं? हाँ। चलो जल्दी से अपने कोहनी और पैरों के सूखे जगहों को धो लो, इससे पहले कि तुम्हारे वजू किए हुए बदन में लगा पानी सूख जाए। अंशरा, अपने अम्मी से जाकर मिलाओ, वो तुम्हें ढूंढ रहे थे। जी अब्बा। अब्बा ने बदन का पानी सूखने से पहले क्यों धो लेने बोले? क्योंकि अगर बदन में लगा पानी सूख जाता तो तुम्हें दोबारा पूरा वजू करना पड़ता। अच्छा आपा? हाँ, तुम नमाज पढ़ो, मैं अम्मी से मिलकर आ रही हूँ। ठीक है आपा। तो बच्चों और सभी फिक्रमंद वालिदैन, उम्मीद है आप लोगों को हमारा एनिमेशन पसंद आया होगा और कुछ सीखने भी मिला होगा, खास करके बच्चों को। आप इस वीडियो को और हमारे पूरे चैनल को ही शेयर करें ताकि और लोग जो इससे फ़ायदा उठा सकें। मैसेज ये था कि देखने में ये आया है, बहुत सारे जो बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, वो छोटे बच्चे जो कि कुछ भी लिखते हैं, ठीक है वो हम डिलीट कर देते हैं, लेकिन जैसे पेरेंट्स है वो अपने जो है अकाउंट्स को लॉगिन रखते हैं यूट्यूब में, और बच्चे जब देखते हैं तो उनके अकाउंट के थ्रू कई चीज़ें जो कमेंट सेक्शन में आते हैं, इसमें हो सकता है किसी पेरेंट्स ने अपना वर्डपैड नोटपैड या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह खोल रखा हो, या बाजू में कुछ लिखा हुआ चीज़ हो, और बच्चे जो उसे देखकर उसी तरह टाइप करते हैं या किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करके वो जो यहाँ पर डाल दे कमेंट सेक्शन में। और ये चीज़ मुमकिन है कि आप की प्राइवेसी हो उसमें, और आप जो है ऐसी कोई टेक्स्ट हो, ऐसा कोई मटेरियल हो जो आप पब्लिकली उसे शाया नहीं करना चाहते हो, लेकिन बच्चों के ज़रिए चीज़ें हो जाती हों, तो इस चीज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पेरेंट्स से मैं गुजारिश करूँगा कि इन चीज़ों पे तवज्जो रखें, चूँकि लॉगिन रखना भी ज़रूरी होता है ताकि बच्चों की जो एक्टिविटीज़ सामने रहें वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इस बात को आप थोड़ा तवज्जो दें, ध्यान दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बटन को दबाना ना भूलें जो नोटिफिकेशन का बटन है, ये जो बेल बना हुआ है घंटी का, तो ताकि जो है हमारे जो है अपडेट्स और नए अपलोड्स जो आप तक ईमेल के थ्रू पहुँचे इंशाल्लाह। और जल्दी लौटेंगे एक नए एनिमेशन के साथ और ढेर सारी वीडियोज़ के साथ। दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।